दोस्तों जानवरों की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन दुख की बात है कि हम इनके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। ऐसे कई सारे जानवर होते हैं जो बड़े ही खास होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता होता। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। द पाकू। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसी फिश देखी है जिसके दांत इंसानों की तरह हों? वेल, ऐसी कोई फिश तो मैं सपने में भी नहीं देखना चाहूंगा, लेकिन अमेज़न में ऐसी एक फिश भी पाई जाती है। पाकू पिराना की तरह फ्रेश वाटर की फिश होती है और बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है। पाकू की बहुत सी स्पीशीज पिराना की तरह ही लगती है, लेकिन इनके बीच में अंतर ये होता है कि पिराना के दांत ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, जबकि पाकू के दांत बिल्कुल इंसान की तरह स्क्वायर शेप के होते हैं। इनकी ज्यादातर स्पीशीज शाकाहारी होती है और इन्हें पेट्स बनाकर भी रखा जाता है। दोस्तों इस फिश में एक इंटरेस्टिंग खूबी होती है, ये अपने मालिक को पहचान भी सकती हैं। इनके इसी बिहेवियर के कारण आप सोच सकते हैं कि क्यों ना आप भी एक ऐसी फिश को अपना पेट बना लें। लेकिन दोस्तों ये काफी तेजी से बड़ी होती है और 30 इंच तक लंबी भी हो सकती है। मतलब अगर आप इसे पेट बनाने की सोच रहे हैं तो आप इसे किसी तालाब या बड़े से एक्वेरियम में रखना होगा। द पिंक फेरी आर्माडिलो। दोस्तों ये किसी फेरी की तरह आपकी विशेष पूरी नहीं कर सकती और ना ही इसके पंख हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्यूट है। इनकी लंबाई 90 से 115 मिलीमीटर के बीच होती है। इसका वजन भी 1 पाउंड के करीब ही होता है। इसका डोर्सल शेल लगभग इसकी बॉडी से अलग ही होता है। दोस्तों ये जानवर सेंट्रल अर्जेंटीना के ड्राई ग्रासलैंड और सैंडी प्लेन्स में पाया जाता है। ये रेतीला एनवायरमेंट इन्हें काफी रास आता है, क्योंकि ये अपने आप को जमीन में छिपाने में काफी माहिर होती हैं और कुछ ही सेकंड में गड्ढा खोद लेती हैं। ये न सिर्फ आंट्स को खाती हैं, बल्कि ये वॉर्म्स, स्नेल्स और प्लांट मैटर को भी खा लेती हैं। दोस्तों इनका एनवायरनमेंट बर्बाद होता जा रहा है और इसीलिए इनकी पॉपुलेशन भी काफी कम होती जा रही है। 1970 से ही ये स्पीशीज विलुप्त की कगार पर है। द ब्लू ड्रैगन। दोस्तों आप स्लग के बारे में सोचते हो तो आपको गंदे से दिखने वाले येलो कलर के चिपचिपे जीवों का ख्याल आता होगा, जो आपके गार्डन में घूमते रहते हैं। लेकिन ब्लू ड्रैगन स्लग इनसे काफी अलग होते हैं। ये न्यूडी ब्रांच फैमिली के सदस्य होते हैं और इन्हें सी स्लग भी कहते हैं। इन्हें देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, लेकिन दोस्तों ये 100% अर्थ के ही हैं। ये आपके गार्डन में दिखने वाले स्नेल्स जैसे ही हैं, बस थोड़े से कलरफुल हैं, लेकिन ये जहरीले होते हैं। मतलब अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, लेकिन टच करने की कोशिश मत करना। इस लिस्ट में हम आपको जितने भी जीवों के बारे में बताएंगे वो सभी अमेजिंग हैं, लेकिन ब्लू ड्रैगन की तो बात ही अलग है। ऐसा लगता है मानो कोई एलियन पानी में तैर रहा हो। एक्सोलॉटल। दोस्तों ये जानवर असली जानवर कम और पोकेमोन ज्यादा लगता है। एक्सोलॉटल असल में एक सेलेमेंडर होता है जो मेक्सिको के आसपास के तालाबों में पाए जाते हैं। ये अपने लार्वा फीचर को जिंदगी भर बनाए रखते हैं। इस क्वालिटी को नियोटेनिक कहते हैं। जैसे कि इनके टेडपोल जैसे डोर्सल फिन को ही देख लीजिए, ये उनकी पूरी बॉडी पर होता है और उनके गिल्स जो इनके सर के पीछे की ओर निकले होते हैं। एक चीज जो इन्हें दूसरे सेलेमेंडर से अलग बनाती है वो ये है कि ये पानी के अंदर ही रहते हैं और बहुत रेयरली ही पानी के बाहर आते हैं। ये जीव 15 सालों तक जी सकते हैं और ये इंसेक्ट, मोलस्क, लार्वा और कुछ फिशेस खाते हैं। अगर इनके इलाके में कोई बड़ी फिश आ जाए या फिर इन्हें कोई बगुला पकड़ ले तो इन्हें खतरा हो सकता है। बाकी फिर इंसान तो है ही। इनकी पॉपुलेशन काफी तेजी से घट रही है, क्योंकि आसपास के शहरों की नालियों से गंदा पानी आके तालाब में मिल जाता है। लोग इन्हें पेट्स बनाकर एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं और मैक्सिको में तो इन्हें खाना भी लोग बहुत जायकेदार मानते हैं, इसलिए आज दुनिया में ये काफी कम ही बचे हैं। द स्लो लॉरिस। दोस्तों स्लो लॉरिस साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और ये रात के समय ही बाहर निकलता है। देखने में तो ये काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन आपको बता दूं कि ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इनके दांत काफी जहरीले होते हैं और ये इंसानों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्रूमिंग के दौरान ये जहर अपने बच्चों की स्किन पर भी लगा सकता है। दोस्तों इसके बावजूद भी इन्हें कई देशों में पेट्स के तौर पर रखा जाता है। इसके लिए इनके दांतों को तोड़ दिया जाता है, जो सुनने में काफी दर्दनाक है, और इसीलिए दुनिया के ज्यादातर देशों में इनको पेट्स के तौर पर रखना गैर कानूनी है। दोस्तों ये ज्यादातर समय अकेले ही बिताते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरे स्लो लॉरिसेस के साथ भी दिख जाते हैं। वैसे इनमें एक और इंटरेस्टिंग क्वालिटी होती है कि ये बिना कोई आवाज किए चल सकते हैं। दोस्तों स्लो लॉरिस आज दुनिया में काफी कम बचे हैं, और इसका कारण ये है कि लोग इन्हें इलीगल तरीके से पेट बनाना पसंद करते हैं और ये इनकी स्मगलिंग और ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है। इसलिए हमें स्लो लॉरिस को बचाने के लिए उन्हें पेट नहीं बनाना चाहिए। अंगोरा रैबिट।
दोस्तों अंगोरा रैबिट दुनिया के सबसे ज्यादा बालों वाले रैबिट्स में से एक हैं। वैसे तो इनकी ब्रीडिंग इनके लंबे और सॉफ्ट बालों के लिए की जाती है, लेकिन ये काफी अच्छे पेट्स भी होते हैं। अंगोरा रैबिट कहां से आए, इसका कोई सर्टेन रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि फ्रेंच सेलर इन्हें टर्की की कैपिटल अंकारा से लेकर आए थे, जिसे पहले अंगोरा कहते थे। वो इन्हें इसलिए लाए थे क्योंकि वो भी इनके बालों से वैसे ही शॉल्स बनाना चाहते थे जैसे कि टर्किश लोग बनाया करते थे। अमेरिकन रैबिट एसोसिएशन के मुताबिक अंगोरा रैबिट की चार स्पीशीज होती हैं, फ्रेंच, इंग्लिश, सैटिन और जायंट। इंग्लिश अंगोरा रैबिट के कान थोड़ा अलग प्रकार के होते हैं, तो सैटिन अंगोरा रैबिट के बाल सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। वहीं जायंट अंगोरा रैबिट इनमें से सबसे भारी और बड़ी ब्रीड होती है। इनका वजन 5 किलो तक का हो सकता है। दोस्तों एनिमल राइट एक्टिविस्ट इनके बालों से वूल बनाने को हमेशा विरोध करते हैं क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान इन्हें काफी चोट लग जाती है। पेटा के अनुसार दुनिया के 90% अंगोरा वूल चाइना से आता है और वहां पर रैबिट्स को बचाने के लिए कोई भी कानून नहीं है। बियर्डेड वल्चर। दोस्तों बियर्डेड वल्चर को लेमरगीर भी कहते हैं। ये भी दूसरे वल्चर्स की ही तरह जानवरों का मांस और हड्डियां खाकर अपना पेट भरती हैं। लेमरगीर एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लैम्प्स को उठा के जाने वाला। आपको बता दूं कि लैम्प्स शिप के बच्चों को कहते थे और ये वल्चर कई बार उन्हें उठा ले जाते थे। वैसे ऐसा कहा जाता है कि ये छोटे बच्चों को भी उठा ले जाते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। ये अपने खाने का 80% हिस्सा हड्डियां और बोन मैरो खाकर ही पूरा करते हैं। इनके पेट में 1 pH लेवल का एसिड होता है जो हड्डियों को भी 24 घंटों के अंदर गला देता है। ये अपने शिकार को पकाकर उसे काफी ऊंचाई पर ले जाते हैं और फिर उसे वहां से फेंक देते हैं, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो उन्हें आसानी से खा सकें। कभी कभी ये छोटी लिजर्ड और टर्टल को भी खा जाते हैं। ब्लॉबफिश। दोस्तों 2013 में हुए एक सर्वे में ब्लॉबफिश को दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर माना गया था और ये आज भी अपने टाइटल पर खड़ा उतरती हैं। इसकी बॉडी बिल्कुल जेलेटिन की तरह होती है, छोटी छोटी आंखें, बड़ा सा मुंह और उस पर जैसे किसी ने जबरदस्ती 2 फिन्स भी चिपका दी हो। ये स्पेशीज साइकोल्यूटस नाम की फैमिली से बिलोंग करती है, जिन्हें फैट हेड भी कहते हैं, मतलब कि जिनका सर बहुत बड़ा होता है। दोस्तों असल में इस फिश का इतना बदसूरत दिखने के पीछे एक कारण है। ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में काफी गहराई में रहती है, मतलब करीब 2000 फीट नीचे। यहाँ पर वाटर की सरफेस की तुलना में 60 गुना ज्यादा प्रेशर होता है और इस कारण से कोई भी जीव को सरवाइव करने के लिए ऐसा ब्लॉब जैसा शेप डेवलप करना होता है। लेकिन उन्होंने इस तरह की लिविंग को इस तरह अडॉप्ट कर लिया है कि वो इस तरह आराम से जी लेती हैं। वो समुद्र की सरफेस पर मिलने वाली हर वो चीज खा सकती हैं जो उनके मुंह में फिट हो जाए। वैसे यार ब्लॉबफिश इतनी भी बुरी नहीं है कि हम इसे सबसे ज्यादा बदसूरत कहें, तो इसके लिए एक लाइक तो कर ही दो। बफेस्ट कंगारू। दोस्तों हो सकता है कि इस कंगारू की फोटो आपने पहले कभी देखा हो, क्योंकि ये कंगारू साल भर पहले इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल था। और वायरल क्यों था आप इस कंगारू की मसल्स देख के अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों इस कंगारू का वजन 90 किलो था और जब ये अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता था तो इसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी। दोस्तों इस कंगारू को जॉय नाम के शख्स ने पाला था क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में इस कंगारू की माँ की डेथ हो गई थी। जॉय ने इस कंगारू को पालने के लिए बहुत अच्छी तरह के इंतजाम भी किए थे, लेकिन बदकिस्मती से इस कंगारू की डेथ 12 साल की उम्र में हो गई थी, मतलब हम अब इस कंगारू को दोबारा नहीं देख पाएंगे। द जायंट आइसोपॉड। दोस्तों इसे देखकर आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की याद आ रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल असली है। ये समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले सबसे अजीब जानवरों में से एक है। ये आइसोपॉड फैमिली के सबसे बड़े सदस्य होते हैं जो किसी श्रिम्प या क्रैब से काफी मिलता जुलता है। गार्डन में अक्सर दिखने वाले पिल्स बग्स को आप जायंट आइसोपॉड का मिनी वर्जन भी कह सकते हैं। वैसे तो इन्हें व्यापार के लिए कभी पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन चाइना और ताइवान के ओशन साइड रेस्टोरेंट में आप इन्हें फ्राई होते और लोगों को खाते हुए इन्हें देख सकते हैं, जो सुनने में ही काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। इनकी इतनी बड़ी साइज का रीजन एक फिनोमिना है जिसे हम डीप सी जैगनेटिज्म कहते हैं। ये समुद्र की गहराई में रहने वाले कई जानवरों में देखा गया है। ये 16 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनकी बॉडी एक हार्ड शेल से प्रोटेक्टेड होती है। ये शेल सेगमेंट्स में डिवाइड होता है जिससे इन्हें स्ट्रेंथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल सके। ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए बॉल की तरह घूमते हुए तेज स्पीड से भाग सकते हैं। जापानीज स्पाइडर क्रैब। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जापान में पाया जाता है। दोस्तों जापान के कई हिस्सों में इसे खाया जाता है, लेकिन इसे पकड़ना काफी ज्यादा कठिन है। दूसरे स्पाइडर के विपरीत ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इनका वजन 44 पाउंड तक हो सकता है और इनके पैर 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं, मतलब ये न सिर्फ आपके ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े क्रैब्स को भी साइज में टक्कर देते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं,
और सिर्फ एल्गी, मोलस्क और छोटे मोटे जानवरों को ही खाते हैं। लेकिन इनको सबसे ज्यादा पसंद है वो जानवर जो पानी के अंदर मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाकर उन्हें आसान शिकार मिल जाता है। पुरानी स्टोरीज में ऐसा कहा जाता था कि ये इंसानों की बोट्स को पलटकर उन्हें भी खा लिया करते थे। मुझे तो लगता है कि वो मरे हुए इंसानों को खाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।